चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अब आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ने जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को देखेंगे। डाइपोल नाम ही आपको थोड़ा सा बता रहा है, डाइपोल यानी दो पोल होने चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम तभी किसी कॉन्फिगरेशन को कहेंगे जब कोई भी दो पॉइंट चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो, ठीक है, चार्जेस नेगेटिव अपोजिट हो, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, दोनों सेम हो पर अपोजिट हो, ठीक है, अपोजिट चार्जेस अगर बहुत स्मॉल सेपरेशन पे रखे गए हो, ठीक है, बहुत स्मॉल, तो उसको हम लोग उस कॉन्फिगरेशन को कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ध्यान दीजिए, फिक्स्ड हो, छोड़ा नहीं हुआ हो, फ्री नहीं छोड़ा हो, दोनों फ्री नहीं होने चाहिए, दोनों बहुत स्मॉल सेपरेशन पे फिक्स्ड हो, ठीक है। फ्री छोड़ देंगे तो अपोजिट हैं, अटैक कर लेंगे, मर्ज कर जाएंगे, तो हम लोग को नहीं, फ्री वाले नहीं कहलाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, फिक्स्ड वाले, ठीक है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट ए वेरी स्मॉल सेपरेशन, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल सेपरेशन, ठीक है। प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल सेपरेशन कंस्टिट्यूट ए एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये जो प्लेसिंग होना चाहिए, ठीक है, वो फिक्स्ड और फ्री नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, फिक्स्ड प्लेसिंग हो, फ्री नहीं हो, फ्री कहलाएगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस बहुत स्मॉल सेपरेशन पे कैप्ट हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई ऐसे नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और दोनों के बीच का सेपरेशन डी है, पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, अपोजिट पॉइंट चार्जेस ले लो यहाँ पे, ठीक है, प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल सेपरेशन कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, तो इसको हम लोग इस कॉन्फिगरेशन को कहेंगे डी बहुत स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा रखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट यहीं से बात आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहां से एक फिजिकल क्वांटिटी निकल के आएगा, ऐसा कॉन्फिगरेशन हो तो इसके पास एक डाइपोल मोमेंट आएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन होगा, ठीक है, कोई भी आइदर भी चार्ज इन टू डी, ये इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो पी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा चार्ज इनटू सेपरेशन, कोई भी एक चार्ज की जो वैल्यू है, ठीक है, इनटू सेपरेशन। तो यहाँ से इसका यूनिट आ जाएगा, आपको पता ही है कूलम मीटर, डायमेंशन आपको पता चल जाएगा, डायमेंशन क्या आ जाएगा, कूलम का ए टी और मीटर का एल, ए टी एल, ठीक है, एम जीरो एल वन टी वन ए वन, ठीक है, इसको आप और थोड़ा सुंदर से लिख सकते हो, एम पावर जीरो एल वन टी वन ए वन, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं स्मॉल एरो, केमिस्ट्री में किसी और डायरेक्शन मतलब तरीके से डिनोट करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे जड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे स्टेप से, तो कर फिजिक्स में लोग डायरेक्ट ऐसे डिनोट करते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी एकदम छोटा सा ऐसे बना देगा, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को इंडिकेट करेगा। तो डायरेक्शन इज फ्रॉम, इस डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो आएगा वो आएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे अगर आप ये क्वांटिटी ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, वो चीज को भी ध्यान रखना है कि ये हम निकाल कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो क्योंकि जो भी इसके वजह से पोटेंशियल आए,
या फील्ड आए, ठीक है, टॉर्क हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, जो भी होगा इस डाइपोल की वजह से, इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है, वो उसमें जो भी वो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा उसमें वो मूवमेंट का, ठीक है, इस डाइपोल मूवमेंट की वजह से आएगा, ठीक है। ये एक ऐसा क्वांटिटी होगा इसके लिए जो उन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। वैसे तो हम लोग को लगेगा कि क्या है ये, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत स्मॉल सेपरेशन, माइनस क्यू प्लस क्यू, बहुत स्मॉल है, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, ठीक है, एकदम बहुत स्मॉल सेपरेशन है, क्योंकि अगर हमको कहीं पे भी कोई मान लो आर डिस्टेंस बहुत बड़ा है, आर जो है बहुत बहुत बड़ा है इंडोर डी से, तो आपको लगेगा कि भाई ऐसे क्या निकालना है यार, टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा तो भाई यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं होगा, ठीक है। पर फिर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट करेगा, तो फिर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट करेगा, किस वजह से क्रिएट कर रहा है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएशन से, ठीक है। तो आइए पहले एक आध दो हम लोग केस ऐसे देखा जाए कि क्या क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे कैसे निकालना है हम लोग को, वो पहले देख ले, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना पहले हम लोग सीख लें, जैसे हर हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज और दोनों बहुत स्मॉल सेपरेशन पे अगर फिक्स्ड है तो हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे। मान लो अगर दो चार्ज है तब इलेक्ट्रिक डाइपोल, चार चार्ज होंगे क्वाड्रोपोल बनेगा, यानी दो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा, छह चार्ज है तीन इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा, ठीक है, आठ चार्ज है चार इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। तो वैसे हम लोग कुछ निकालने जा रहे हैं, जैसे कि मान लो ऐसे कोई इलेक्ट्रिक ट्रायंगल है, इसका सेपरेशन एल एल एल, तीनों वर्टिसेस पे मान लो कि यहाँ पे माइनस टू क्यू चार्ज रख दिए, ठीक है, यहाँ पे क्यू रख दिए, यहाँ पे भी क्यू रख दिए, तो क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा? एल बहुत छोटा है मान लो, बनाएगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू को दो माइनस क्यू से लिख सकते, ये दोनों एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना है, ये दोनों एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना है। ध्यान दीजिएगा सेम चार्ज को दोनों के लिए यूज मत करिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब दो चार छः आठ हमेशा, ठीक है, ध्यान दीजिए पेयर में चार्जेस होने चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं तीन चार्ज मिलकर इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, यहाँ तीन चार्ज है पर स्प्लिट कर दिया माइनस क्यू, ठीक है, तो हमेशा इक्वल अपोजिट वाले केस ऐसे चार चार्ज दिखाना पड़ेगा हम लोग को। अब इसका अगर हमको डाइपोल मोमेंट निकालना हो, ठीक है, तो जैसे इसके लिए अगर आप देखोगे तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे कुछ आ जाएगा, कितना आएगा QL, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे, इसका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा कितना QL, इसका भी तो नेगेटिव से पॉजिटिव, क्लियर है, ठीक है। तो दोनों का दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, वेक्टर क्वांटिटी है, इधर भी QL, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा रिजल्टेंट QL रूट 3 आएगा कि नहीं आएगा, निकाले हुए हम लोग दो वेक्टर हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का एंगल 60, तो कैसे नहीं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा cos 60, ठीक है। इस केस में भी यही करते हम लोग, क्या आता नेट डाइपोल मोमेंट जो आता है नेट हमारा, ठीक है, क्या आता अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, ठीक है, क्लियर है। तो cos 60 की वैल्यू कितना होता है आपका 1/2, तो यहाँ पे आ जाता है तो ये 1/2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी पी स्क्वायर यानी पी रूट 3 आ जाएगा, ठीक है, पी की वैल्यू क्या था आपका QL रूट 3, क्लियर है, ऐसे निकाल सकते हैं। और जैसे इसको और भी देखा जाए एक आध क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा स्क्वायर टाइप है, ठीक है, ऐसा सपोज कर लो यहाँ पे माइनस 3Q रखा हुआ है, यहाँ Q है 2Q है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे कुछ सपोज कर लो यहाँ पे क्यू है, ठीक, और यहाँ पे भी मान लो कुछ कैसा ले ले यहाँ पे क्यू है, ठीक, यहाँ पे मान लो माइनस 4Q है, क्लियर है, ठीक, और यहाँ पे भी क्यू है ऐसा कुछ, और फिर से सेपरेशन सबका मान लो ए ए है ऐसा कुछ, तो कैसे स्प्लिट करेंगे हम लोग को डाइपोल मोमेंट निकालना है इस पूरे का, ये ए स्मॉल है बहुत, ठीक है, एक ही जगह अगर आर ही ले दो सबको ना, इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो आपको लिखने में, क्यू और ए में ज़्यादा अंतर नहीं, मेरा ए और क्यू दोनों एक ही टाइप लगेगा, तो इसलिए मैंने आर लिया, ठीक है। अब ध्यान दे लो यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस 4Q, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस 2Q, फिर एक माइनस क्यू और एक माइनस क्यू और, तो ये माइनस 4Q हो गया ना, माइनस 4Q ऐसे स्प्लिट कर दिए, ये 2Q क्यू क्यू, तो ये माइनस क्यू यहाँ पे क्यू, ठीक है, माइनस 2Q और ये प्लस 2Q, सब अलग अलग पेयर बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब अगर हमको डाइपोल निकालना हो तो इसका इसका निकालेंगे तो आइदर चार्ज क्या है 2Q, सेपरेशन क्या है R, इसका निकालेंगे चार्ज क्या है Q, सेपरेशन क्या है R रूट 2, ठीक है, इसका निकालेंगे क्या ये माइनस Q, Q और सेपरेशन क्या R, ठीक है,
अब हम लोगों को निकालना होगा, निकालना होगा तो नेट क्या होगा, एक आर क्यू आर इधर आ गया, इधर टू क्यू आर आ गया, इधर क्यू आर रूट टू आ गया। अच्छा, क्यू आर रूट टू का हम स्प्लिट कर सकते ना, इसको स्प्लिट कर दे, इधर निकाल दे तो इधर भी क्यू आर आ जाएगा, इधर भी क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, इसको स्प्लिट कर दिया ना, ये 45 है, 45 डिग्री, तो क्यू आर रूट टू कॉस 45 तो क्यू आर आ जाएगा, क्यू आर रूट टू साइन 45 तो क्यू आर आ गया। तो इधर क्यू आर, तो इधर नेट कितना आ गया हमारा 2 क्यू आर, इधर नेट कितना आ गया हमारा 2 क्यू आर आ क्यू आर 3 क्यू आर। ठीक है, अब नेट रिजल्टेंट जो आ जाएगा डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, क्यू आर तो कॉमन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस इसका 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा क्यू आर रूट 13 आ जाएगा। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, कभी कभी हम लोग इसको किसके वजह से भी निकाल सकते हैं, कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पर देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।